छनी में 50,000 लोगों को नहीं मिलेगा पानी। गुढ़ियारी इलाके में 2 दिन तक पानी की सप्लाई प्रभावित रहेगी। 24 और 25 जून को नहीं मिलेगा पानी। पाइपलाइन डैमेज होने की वजह से नहीं होगी पेयजल की कोई सप्लाई। 2 दिन तक चलेगा रिपेयरिंग का काम। अलग अलग वार्ड के 50,000 लोग प्रभावित होंगे। तो गुढ़ियारी में 2 दिन तक पानी सप्लाई प्रभावित रहेगा। 24 और 25 जून को इलाके में पानी नहीं मिलेगा। हालांकि ये कहीं ना कहीं एक फायदेमंद खबर है, इसलिए भी है क्योंकि पहले ही अगर लोगों को जानकारी होगी तो वो कम से कम अपना स्टॉक करके रख पाएंगे या पहले से पानी का इंतजाम कर पाएंगे। तो 24 और 25 तारीख ऐसी रहने वाली है जहां पानी की सप्लाई नहीं होगी। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ सुप्रिया पांडे हमारे साथ लाइव भी जुड़ गई हैं। सुप्रिया, जैसा कि 2 दिनों तक पानी की सप्लाई बंद रहेगी, कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जो प्रभावित रहने वाले हैं 2 दिनों तक? जी, गुढ़ियारी के तिलक नगर में है जो है पानी की सप्लाई की जो समस्या है वो आएगी, क्योंकि पाइपलाइन जो है वो डैमेज हो चुका है। और हम आप ये जो लोग हैं वो हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर पानी भरते हुए जो है नजर आ रहे हैं। ये जो नल है वो थाने का नल है, तो थाने से जो लोग हैं वो पानी लेते हुए नजर आ रहे हैं। इनका कहना है, कुछ लोगों का इनका कहना है कि यहाँ पर जो है टैंकर भी नहीं भेजी गई है और पाइपलाइन भी बंद है, इस वजह से हमें यहाँ पर से पानी भरना पड़ रहा है। तो इस तरह की जो स्थिति है वो यहाँ पर आन पड़ी है। और साथ ही मॉनसून का सीजन है, अगर वे कहीं से भी पानी भरते हैं तो एक तरह से जो है कीटाणु की जो गंदगी की समस्या है वो भी बरकरार रहती है। तो ऐसे स्थिति में जो है पाइपलाइन डैमेज हो चुका है और ऐसे में पाइपलाइन को बनाने की जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी। और अगर पानी नहीं मिलने से अगर 1 दिन पहले बताया जाता, 2 दिन पहले बताया जाता तो लोग जो है वो ज्यादा सतर्क होते हुए नजर आते, लेकिन उन्हें आज ही पता चला है कि जो 2 दिन से पानी नहीं आएगा तो लोग भी काफी परेशान है और पानी भरते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर एक बच्ची जो है वो पानी भरते हुए नजर आ रही है और साथ ही यहाँ पर काफी लोग भी थे जो पानी भर के अपने घर जो है वो जा चुके हैं और काफी लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए थे, लेकिन सभी जो है पानी लेके जा चुके हैं। और इस तरह की स्थिति जो है वो गुढ़ियारी में बनी है। साथ ही कई इलाकों में है वहाँ पर भी जो है पानी भरते हुए काफी लोग जो है वो नजर आ रहे हैं। जी सुप्रिया, ये काफी अच्छी बात है कि आपने पहले से ही इस जानकारी को हम तक साझा किया, क्योंकि जो तमाम दर्शक हमें देख रहे होंगे कम से कम वो देखने के बाद में इस चीज को पहले से आकलन कर पाएंगे कि 2 दिनों तक पानी नहीं आने वाला है तो कैसे उनको तैयारी करनी है, कैसे उनको पानी का स्टॉक करके रखना है और अगर कहीं और से पानी मंगवाना है तो कैसे, ये तमाम हालातों पर वो ध्यान दे पाएंगे। लेकिन खास बात यहाँ पर ये भी है कि प्रशासन भले ही 2 दिन पानी ना भी दे, ना सप्लाई करे, लेकिन कोई वैकल्पिक व्यवस्था को लेकर के क्या इंतजाम कर रहा है, चाहे वो टैंकर की सुविधा हो या फिर और कोई अन्य सुविधा। जी बिल्कुल, प्रशासन को जो है टैंकर की सुविधाएं जो है वो प्रदान करनी चाहिए, क्योंकि गुढ़ियारी जो है वहाँ पर थाने से जो है पानी भरते हुए नजर आ रही है महिलाएं हैं और साथ ही काफी जो महिलाएं हैं यहाँ पर खड़ी हुई थी, लेकिन अभी भीड़ नहीं बढ़ाना है करके जो महिलाएं हैं वो एक एक करके पानी भरने के लिए नजर आ रही थी। तो अभी हमारे साथ कुछ महिलाएं भी मौजूद है, उनसे भी जानना चाहेंगे पानी को लेकर क्या कहना चाहेंगे। कब से नहीं आ रहा है पानी? हो गया 2 रोज हो गया पानी की, कितना परेशान है हम लोग। सुबह से लेके इधर उधर पानी की सुविधा कैसी है? टैंकर नहीं आता क्या यहाँ पर? और टैंकर भी नहीं आता, टैंकर भी नहीं भेजते है। चलिए सुप्रिया, बताते हैं आप लोग पानी के लिए जो स्थानीय लोग हैं उनको तो परेशानी हो रही है, लेकिन ये भी बड़ा सवाल है कि आगामी 2 दिनों तक वो कैसे इस पानी की पूर्ति को कर पाएंगे, जो कि प्रशासन का रवैया यहाँ पर ढुलपुल भी नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए सुप्रिया। और अब अगली खबर आपको बता रहे हैं शिवपुरी के करेरा से, जहाँ